पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवादपूर्ण खेती कानून रद्द करने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने संबंधित कानून में सोध करने वास्ते तुरंत कदम चुकन की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इतने प्रधानमंत्री नाल मुलाकात की है तो उन्होंने दो वक् वक् पत्र भी सौंपे ने। इस मौके मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को तीन खेती कानूनों का जायजा लेके तुरंत मनसूख करने लिए आख्या क्यों जो इन कानूनों कारण पंजाब और होर सूबों के किसानों में वड्डी पद्धर उत्ते रोह पाया जा रहा है। जो बीते साल 26 नवंबर तो दिल्ली दी सरहदों उत्ते प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते लंबे समय तो चल रहे किसान अंदोलन में अपन जाना गवा चुके 400 किसानों और खेत कामिया का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संघर्ष विच पंजाब अते मुल्क लई सुरक्षा के लिहाज तो वड्डा खतरा खड़ा होने की संभावना है क्योंकि जो पाकिस्तान की शह प्राप्त भारत विरोधी ताकत सरकार प्रति किसानों की नाराजगी से नाजायज लाह चुकन की ताक विच ने। इस मुद्दे का चिरस्थाई हल लभण लई भारत सरकार वालों किसानों की जायज़ चिंतावान का छेती हल किए जाने लई प्रधानमंत्री दखल देने की अपील करदे हां। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौजूदा समय चल रहा किसान अंदोलन ना सिर्फ पंजाब विच आर्थिक सरगर्मियों प्रभावित कर रहा सगो इसका समाजिक ताने बाने उत्ते भी असर होने की संभावना है, खास करके उस वेले जदों सियासी पार्टियां ते बाकी समूह आपो अपने स्टैंड उत्ते अड़े हुए ने।